Hello all, welcome to Prep IAS. I'm Dr. Mohammad Zia, and in this medieval history series we have arrived to the second part of the Mughal Empire. Aur aaj hum baat karenge Akbar ki, aaj hum baat karenge Shah Jahan ki, aur aaj hum baat karenge Aurangzeb ki. Ab ek cheez main kuch cheeze dekh raha tha, aap logo ke reviews kafi unique se the. One thing is for sure that hum yahan pe historian banne nahi aaye. हमारा एक ही मोटिव है कि हमें सिर्फ उतना पता हो और उतनी ही जानकारी हो आप लोगों के लेवल पर, ख़ास तौर पर जिसमें कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए. एंड विद दिस पर्पज़ ओनली हमने इस सीरीज़ को बनाया है. एंड इससे ज़्यादा कई लोग पूछ रहे थे, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है एग्ज़ाम में. और आपको अगर इससे ज़्यादा पढ़ना है तो आप बिल्कुल एम ए हिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी. और शायद कुछ मिसकंसेप्शंस हो तो वो भी क्लैरिफाई हो जाएंगे आपको. सो दिस इज़ जस्ट वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिस्ट्री. आप इकॉनमी पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो वहाँ मतलब इकॉनमी पढ़ के मैंने देखा कई लोग पढ़ते पढ़ते भी और पढ़ाते पढ़ाते भी ऐसा लगता है कि अब वो अगला नोबेल प्राइज़ लेके आ जाएंगे इकोनॉमिक्स में. तो ऐसा हमारा कोई मोटिव नहीं है नोबेल प्राइज़ लाने का या अपने आप को जो है एक एस्टैब्लिश्ड हिस्टोरियन के तौर पे साबित करने का. हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि हमें हमारा एग्ज़ाम, हमें हमारा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना है. 5 जून को है, सिर्फ इतना पता है. इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं. और आपको इंटरेस्ट है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. तो हम आज शुरुआत करते हैं अकबर की. अकबर से हम शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की. और हम देखेंगे कि किस तरीके से अकबर, क्योंकि अकबर जो है वो बहुत ज़्यादा एक एक्टिव और एक बहुत ज़्यादा लंबे वक्त के लिए जो है वो एक्टिव रहे. तकरीबन 50 साल का एक वक्फ़ा रहा जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया, मुग़ल एम्पायर पर राज किया. और हम ये देख सकते हैं, जैसे इस मैप में बिल्कुल विजिबल है, एक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो पिंक शेडेड रीजन है, ये अकबर की टेरिटरी थी. 1605 अकबर्स डेथ, 1707 औरंगजेब्स डेथ. और अकबर की बड़ी अच्छी एक मैं मतलब एंड दिस आई एम कोटिंग फ्रॉम हिस्ट्री नॉट फ्रॉम सम व्हाट्सएप फॉरवर्ड दैट अकबर हैड दिस दैट ही यूज टू स्लीप ओनली फॉर 4.5 hours अ डे, 3 hours at midnight and 1.5 hours in the afternoon, because he believed that he would not want to, you know, waste his precious life in sleeping. तो ये अकबर का मानना था. तो अकबर 18 घंटे तो नहीं, थोड़ा सा उससे ज़्यादा जो है जाग लेते थे, 19.5 घंटे. तो he was having this apprehension. So moving on to this, just a fun fact. So, अकबर का जन्म कब हुआ? अकबर का जन्म हमने देखा कि जब हुमायूं एग्ज़ाइल में थे, उस दौरान हमीदा बानो बेगम को जो है हुमायूं और हमीदा बानो बेगम को अकबर होते हैं. और 15 अक्टूबर 1542 एक राजपूत किले में उनका जन्म हुआ. और पेरेंट्स जो हैं वो रिफ्यूज में थे लोकल रूलर के. लेकिन उसके बाद जो है अकबर को अपने जो भी उनके मामू थे और जो उनके अंकल और आंट्स थे, काबुल में वहाँ भेज दिया गया. एंड अकबर की पोजीशन जो है, क्योंकि हुमायूं ने हर चीज़ को रिकवर करना शुरू किया था, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अकबर की पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है. स्पेशली जब दिल्ली जो है वो अफगानों के कब्ज़े में आता है, ख़ासतौर पर हम बात कर रहे हैं सूर डायनेस्टी की. 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हम जानते हैं कि अकबर और हेमू के बीच होती है. और उसके बाद जो है हेमू की डेथ हो जाती है, हेमू की आर्मी भाग जाती है. और अकबर जो है मतलब ही वाज विक्टोरियस. शुरुआत के जो 5 साल थे, अकबर की उम्र कुछ कितनी होगी, 13-14 साल की उम्र रही होगी अकबर की. और उस दौरान ऑब्वियसली वाज अ माइनर. और एक अच्छी चीज़ थी उस दौर के जो भी कहना चाहिए मिलिट्री कमांडर्स होते थे, उस दौर के जो भी लोग होते थे, कि वो लॉयल होते थे. और अकबर की जो मतलब उस वक्त जो थे वो
बैरम खान थे, तो बैरम खान स्टार्टिंग में वो कर रहे थे, लेकिन लेटर अकबर ने उन्हें बैरम खान को भी हटा दिया और अकबर जो है वो खुद रूल करना अकबर ने शुरू किया। बैरम खान को उन्होंने कहा कि अब जैसा है कि खान बाबा आपका जो है बहुत हो गया, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे कि अकबर मतलब होता है ना पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इस सिनेरियो में जब बहुत ज़्यादा पावर आ गई बैरम खान के पास, तो बैरम खान जो है वो कई बार अकबर को भी आंख दिखा देते थे, तो अकबर को ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने बोला बोला खान बाबा हो गया बहुत, आप चला जाओ अल्लाह अल्लाह करने। लेकिन रास्ते में ही बैरम खान जो है एक अफगान ने उनको मार दिया। तो लेकिन उसके बाद भी अकबर इतने हैवी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बाद भी अकबर जो है वो एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में लगा रहा बैरम खान के जाने के बाद भी। लेकिन अकबर की जो मिलिट्री या अकबर की जो पॉलिसी है, जो अकबर की कहना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उसमें रिलेशन विथ राजपूत वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर वॉज स्मार्ट, उसको लगा कि यार क्योंकि उनको सी कोस्ट चाहिए था और दिल्ली से, यहाँ पे आप देखिए ना, ये यहाँ से दिल्ली और आगरा से, दिल्ली और आगरा से ये फतेहपुर सीकरी से ये सी कोस्ट कहाँ से मिल रहा था, ये सी कोस्ट इस रास्ते से मिल रहा था और ये पूरा इलाका जो है ये लाजली इतना नहीं इतना, ये जो पूरा रास्ता है ये राजपूताना के उसमें आता है। राजपूत कंटिन्यूसली लड़ रहे थे, दे आर ग्रेट वॉरियर्स, दे ग्रेट फाइटर्स। लेकिन अकबर ने पूछा इनका प्रॉब्लम क्या है कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। बोले सर इनको कभी किसी ने मतलब ये जितने भी रूलर्स बाहर से आए मोस्टली इन्होंने राजपूत को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उनको एक ऑनर है, उनका एक रिस्पेक्ट है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अकबर ने बोला व्हाट दे वांट, दे से ही सेड रिस्पेक्ट ऑनर। अकबर ने बोला ठीक है चलो दे दो, व्हाट इज द प्रॉब्लम। राजा मान सिंह को जो है काबुल का गवर्नर बना दिया, राजा भगवान दास को जो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर पोजीशन दी, फोर जनरेशंस जो है राजपूत की दे सर्व्ड द मुगल्स एंड मिलिट्री जनरल्स तक बनाया। तो वो जिस चीज़ को चाह रहे थे अकबर ने दे दिया और उनसे दोस्ती कर ली। सिंपल है, कई बार वो दोहा एग्जैक्ट याद तो नहीं है कि जहाँ सुई से काम चल सकता है वहाँ तलवार की ज़रूरत नहीं होती, और अकबर ने इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया एंड मेजॉरिटी ऑफ द राजपूत्स जो है वो अकबर के साथ मतलब मोस्टली दे सरेंडर्ड एंड मोस्ट ऑफ देम हैड यू नो गुड रिलेशंस। अकबर इवन मैरिड राजपूत प्रिंसेस, बट इट वाज द रानाज ऑफ मेवाड़ जो कॉन्फ्रंट कर रहे थे अकबर को कंटिन्यूसली, और राणा प्रताप सिंह जो है बैटल ऑफ हल्दीघाटी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि द लास्ट बैटल जहाँ पे राजपूत्स ने कुछ टफ फाइट दिखाई। अब इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। अब जिन लोगों को अभी देखा, कुछ लोग काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, दैट्स गुड दैट यू हैव गेन्ड अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, बट दैट योर नॉलेज इज नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर UPSC। इट्स गुड फॉर अ फेसबुक पोस्ट बट नॉट फॉर UPSC। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज जो ये जो फेक हिस्ट्री चलाते हैं उसमें से कई लोग हैं कि वो राणा प्रताप जो है वो हिंदू मुसलमान एंड ऑल दैट कम्युनलिज्म को लेके आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था, मान सिंह, राजा भगवान दास, कौन थे ये, राजपूत थे। सबसे एबल कमांडर राणा प्रताप की आर्मी में किसका कौन था, हकीम खान सूर। तो राणा प्रताप की आर्मी में हकीम खान सूर लड़ रहे थे और अकबर की आर्मी में राजा मानसिंह लड़ रहे थे, तो यहाँ पर कोई कम्युनल एलिमेंट था नहीं, सिर्फ एक ही एलिमेंट था जो था लैंड वाज एसोसिएटेड विद प्रॉस्पेरिटी और हर किसी को उस लैंड पर कब्जा चाहिए था। वो सब चीज़ें जो जिस तरीके से पोर्ट्रे की जाती हैं, दैट्स ऑल रॉन्ग। सो नो डाउट अकबर की जो पॉलिसी थी राजपूत को लेके, इट वाज इट शोड द ब्रॉड रिलीजियस टॉलरेंस। इवन ही अबॉलिश्ड द पिलग्रिमेज टैक्स, जजिया की अगर हम बात करें, उसने जजिया को भी अबॉलिश किया आगे चल के।
रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो नो डाउट अकबर का जो नाम है या अकबर को जो इतना सम्मान मिला हुआ है हिस्ट्री के अंदर, वो सिर्फ उसके रिलीजियस पॉलिसीज़ की वजह से मिला हुआ है, उसके रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से मिला हुआ है। 1562 में जजिया अबॉलिश करता है, हरखा भाई या जोधा भाई कई जगह नाम आता है, ही अलाउड हिंदू वाइफ्स, देयर वर मल्टीपल, सो ही अलाउड द हिंदू वाइफ्स टू वर्शिप देयर गॉड्स। उसने मुगल जो कला था उसमें अलाउ किया कि वहाँ पे जो है मंदिर वगैरह बन सकता है। 1575 में अकबर ने इबादत खाना एक जगह, एक हाउस ऑफ वर्शिप इस्टेब्लिश किया, और उसमें उसने जितने भी दीगर मज़हब थे इस्लाम के अलावा उन सबको इनवाइट किया, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, जैनिज़म, ज़ोरोस्ट्रियनिज़म, कि भैया आओ और बैठ के जो है मतलब कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज़ करो, उसमें बताओगे किस रिलीजन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कॉन्ट्रडिक्ट्री है। और उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि अकबर ने देखो रिलीजन और मैंने हमेशा कहा कि जिस जब जब रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है वो मर्ज होंगे वहाँ पे सिचुएशन ख़राब होगी, लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया। अकबर ने रिलीजन और पॉलिटिक्स को रादर एकदम ब्लैक एंड वाइट वाली चीज़ में सेग्रीगेट किया, और ही डिड नॉट लाइक द इंट्रूजन ऑफ मुस्लिम उलमा इन द पॉलिटिकल मैटर्स। सो इन 1579 ही डिलीवर्ड द इनफैलिबिलिटी डिग्री, और सारे रिलीजियस पावर उसने, तो उलमा का जो इंटरफेरेंस था पॉलिटिकल मैटर्स में उसे पसंद नहीं था, और उसने कहा कि अब जो है सारी पावर, सारी जितनी भी पावर है वो किसके पास है, वो मेरे पास है। 1582 में ही प्रोपगेटेड अ न्यू रिलीजन दीन इलाही, लेकिन इसको कोई ज़्यादा लोग मानने वाले थे नहीं, और मतलब ही बिलीव्ड इन वन गॉड, और उसने क्या किया, वो जो उसने कंपैरेटिव ये इबादत खाना में जो उसने अलग तरीके से दीगर मज़हबों के जो भी स्कॉलर्स थे उनको इनवाइट किया, उनसे अच्छा लगा, जो जो अच्छा लगा सारे रिलीजन से लिया, और उसने कहा कि भैया देखो ये है दीन इलाही, मतलब दिस इज़ द डिवाइन फेथ, और मतलब इट बिलीव्स इन वन गॉड। मोनोथिज्म की बात की, गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन्स के अच्छे पॉइंट्स को जो है उसने किया, और मतलब कोशिश की उसने कि जो अलग अलग मज़हबों में और अलग अलग धर्मों में जो डिफरेंसेस हैं उसको किस तरीके से ब्रिज किया जाए, ऑल्दो आई टोल्ड यू दैट दिस वाज अ फेलियर। ओके, सती की अगर हम बात करें तो वी नो दैट जब भी सती की बात आती है तो एक ही एक्ट जो है वो जहन में आता है, एंड दैट इज़ द अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट 1829। लेकिन उससे पहले भी मुग़ल एम्परर ने कुछ कोशिश की। 1590 में एक फरमान आया और जिसने कहा कि जो सती है वो अब वॉलेंटरी होगा, मतलब औरत को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं चलाया जाएगा, और इवन चाइल्ड सती पे उसने कम्प्लीटली रोक लगाई और कहा गया कि औरत को उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं सती किया जाएगा, और उसने स्पेशल ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जो ये तय करेंगे कि जो भी सती है, जो भी सती हो रही है वो अपनी मर्ज़ी से हो रही है, उसको ज़बरदस्ती जलाया जा रहा है। तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप था टुवर्ड्स अबॉलिशन ऑफ सती, और डाउरीज को उसने डिस्कार्ड किया, चाइल्ड मैरिजेस को डिस्कार्ड किया। नो डाउट उसकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी उसने राजपूत को मुगल्स के साथ लाके खड़ा किया, और जिसके नो डाउट उस अलायंस ने दे गॉट द सर्विसेज ऑफ द ब्रेवेस्ट वॉरियर्स ऑफ द लैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड नो डाउट मतलब राजपूत कभी हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका है उन्होंने राजपूत के बारे में डिटेल पढ़ा होगा, मतलब वो मरना जो है उनके लिए, और ख़ास तौर पे रणभूमि में वीरगति प्राप्त कर लेना जो है उनके लिए सबसे बड़ा एक ऑनर था, और मतलब वो सेलिब्रेट करते थे, वो तलवारों से खेलते थे। सो अकबर के साथ बेनिफिट ये हुआ कि जब उसकी जो राजपूत पॉलिसीज थी उसने ऐसे ब्रेव और ऑनरेबल वॉरियर्स को जो है उसके साथ लाके खड़ा कर दिया। अकबर ने कुछ स्टेप्स लिए, उसने रिलीजन्स को समझने की कोशिश की, संस्कृत, अरबिक, ग्रीक को पर्शियन में ट्रांसलेट कराया, लेकिन कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पे जो अब देखो यहाँ पे अकबर रिलीजियस टॉलरेंस दिखा रहा है, वो राजपूत को बैठा रहा है, वो हिंदुज़म को समझ रहा है, वो संस्कृत को ट्रांसलेट करवा रहा है पर्शियन में, कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी कर रहा है, वो हर रिलीजन से अच्छे पॉइंट्स को पिक करके एक नए रिलीजन को बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि ये एक अलग पर्सपेक्टिव था, और जब आप यहाँ पे आते हो
तो यहाँ पर जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है उनका वो कम्प्लीटली पॉलिटिकल है, उनका रिलीजियस कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और तो ये जो भी कॉन्क्वेस्ट हुए, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुए, ख़ासतौर पे अकबर के दौर में काफ़ी हुए, जहांगीर के दौर में कुछ हुए, लेकिन मेजर जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुए वो अकबर के ही दौर में हुए। और इनका किसी भी तरीके का रिलीजियस मीनिंग निकालना वुड नॉट बी ट्राइड, बिकॉज वो थे ही नहीं, वो तो सिर्फ ज़मीन की लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, उसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं था। अभी कैसे नहीं था, जैसे अगर आप गोंडवाना की बात करोगे, यहाँ पे आप गोंडवाना की बात करोगे तो यहाँ रानी दुर्गावती लड़ रही थी, उनके बेटे वीर नारायण के एज अ रीजेंट वो रूल कर रही थी, और जब आसफ़ खान को अकबर ने भेजा और गोंडवाना का जो हिस्सा है वो जो है मुग़ल एम्पायर का हिस्सा बनता है। तो यहाँ किससे लड़ा, रानी दुर्गावती से। यहाँ किससे लड़े, मुजफ्फर शाह से। तो द पॉइंट इज़ क्लियर व्हाट आई वांट टू कन्वे। सो वेल्थ, अब ऑब्वियसली अकबर को ट्रेड के लिए गुजरात को की बहुत ज़रूरत थी, और मुजफ्फर शाह जो है इस वक्त गुजरात पे रूल कर रहा था, तो गुजरात में बहुत वक्त से जो है कॉन्कर नहीं कर पा रहा था कोई मुग़ल। तो अकबर ने ये किया, अकबर ने नई कैपिटल बनाई फतेहपुर सीकरी, और वहीं पे बुलंद दरवाज़ा, और बुलंद दरवाजे की नींव रखी इसलिए गई थी क्योंकि अकबर ने गुजरात को फतह किया था। तो ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट है, एक आध बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले। उड़ीसा और बंगाल में हुआ ये कि दाऊद खान जो वहाँ पे था, गवर्नर था, उसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जब वो अकबर छोटा था, और तो अकबर ने जब मौका लगा, अकबर ने भी वहाँ पे आर्मी भेजी, उसे सप्रेस किया, और बंगाल एंड उड़ीसा बिकेम दी पार्ट ऑफ यू नो मुग़ल एम्पायर। काबुल और कश्मीर को अपने उसमें कब्ज़े में लिया, एंड देन जब अकबर का जो सौतेला भाई था हाजिम मिर्ज़ा, वो काबुल के ऊपर था, उसकी डेथ जब 1585 में होती है, तो अकबर जो है काबुल को भी अपने उसमें ले लेता है, कश्मीर को भी ले लेता है। तो मोस्टली जो हमने एक दौर में देखा कि मुग़ल सल्तनत जो थी वो काफ़ी महदूद हो गई थी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में, लेकिन जैसे जैसे अकबर को मौका लगते गया, उसने मोस्टली पूरे नॉर्थ इंडिया पे जो है ये कब्ज़ा कर लिया। साउथ इंडिया की अगर आप बात करोगे तो बिदर, खानदेश, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर जो है वो उसको वहाँ उसने अपने एनवॉइस भेजे और कहा कि भैया हमारी ये सब बहमनी किंगडम वाले वो थे, तो कहा कि हमारी जो है सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर लो, तो उन्होंने मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो अटैक हुआ। अटैक कैसे हुआ, अब देखो यहाँ पे कौन लड़ रहा है, उधर रानी दुर्गावती भी लड़ी हैं, चांद बीबी भी लड़ी हैं, तो देर इज़ नथिंग रिलीजियस आउट हियर। एंड 1595 चांद बीबी यू नो शी ब्रेवली फॉट बट फेल्ड, और लेटली जो बिदर है, जो बिदर का इलाका है और जो अहमदनगर का इलाका है, वो क्या होता है, वो अकबर के उसमें मुग़ल एम्पायर में आ जाता है। अब अगर इतना बड़ा एम्पायर था तो ज़रूरत थी कि उसको किसी तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता, और किसी तरीके से नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट तरीके से उसको एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत थी। तो अकबर ने यही किया, अकबर कैटेगराइज द एंटायर प्लान इनटू फोर मेन डिविजन्स, चार उसमें किया, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, मिलिट्री और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था, इन सारे चीज़ों को, इन सारे काम को उसने अलग किया, अलग तरीके से किया। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स कौन थे, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे वकील, सो वकील कौन थे, चीफ एडवाइजर्स टू द एम्परर, ये ध्यान रखना, इनके मीनिंग्स कई बार आ जाते हैं। दीवान जो थे वो दो तरीके के थे, एक थे मनसबदार मतलब जो ऑडिट और फाइनेंस को देखते थे वो, और मीर बख्शी कौन थे, जो सीनियर ऑफिशल्स को जो है, जो सीनियर ऑफिसर्स होते थे मुग़ल एम्पायर के, उनको क्या करते थे, उनको सैलरीज और पेज वगैरह देते थे। सदर का मतलब होता है हेड, तो सदर वॉज द हेड ऑफ दिस रिलीजियस एडवाइजरी, और ये रिलीजियस यूनिटी और सारी चीज़ें। खाने सामान तो नाम से पता चल रहा है, सामान यानी कि वॉज स्टोर इन चार्ज। मुहातिब वॉज द रॉयल काउंसलर, मुस्लिम एथिक्स और कल्चर, तो जाहिर सी बात है उलेमा से जो गाइडेंस मिलता था, या उलेमा जो थे भले ही अकबर को पसंद नहीं था लेकिन उनका इंटरफेरेंस तो था। और यही चीज़ थी कि उन्होंने एक और ऑफिसर सेंट्रल लेवल पे अपॉइंट किया जो कि मुस्लिम एथिक्स और कल्चर का ध्यान रख रहा था, कोतवाल, आज भी होता है ना कोतवाल, कोतवाली कहते हैं मोस्टली, शहर में सदर कोतवाली होती है उत्तर प्रदेश में,
काफ़ी जगहों पे है, सदर कोतवाली। तो कोतवाल मतलब हेड ऑफ़ द इंटेलिजेंस एंड द पोस्टल डिपार्टमेंट, और जो भी लोग नए इमिग्रेंट्स आते थे उनका जो है ये रिकॉर्ड रखता था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पूरे जो भी मुग़ल सल्तनत थी उसको 15 सूबों में बांट दिया गया था, इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मुल्तान, मलका, खानदेश, बेरारन, अहमदनगर, ये सारे जो थे वो कर दिए थे। अब हर सूबे का जो ओवरऑल इंचार्ज था वो कौन था, वो सूबेदार था। फाइनेंशियल मैटर्स कौन देख रहा था, दीवान देख रहा था। वहाँ पे दीवान दो तरीके के थे, मनसबदार और मीरबख्शी, यहाँ दीवान एक ही है प्रोविंशियल लेवल पे। काजी होता था, काजी कौन था, काजी वॉज द लोकल जज हु टुक केयर ऑफ स्मॉल जुडिशरी मैटर्स। कोतवाल फिर वही काम कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मीरबख्श लोकल टैक्सेस कलेक्शन की काम कर रहा था। वाके नावेस सीक्रेट डिटेक्टिव्स। सदर स्टेट लेवल जुडिशल मैटर्स और इस तरीके के काम जो है वो कौन देख रहे थे, सदर देख रहे थे। फिर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मनसबदारी सिस्टम वॉज वेरी प्रेवलेंट। हर ऑफिसर को मनसब का मतलब होता था रैंक, लोएस्ट मनसब 10 का था और हाईएस्ट मनसब 5000 का था, नोबल्स के लिए था। जो रॉयल ब्लड जो प्रिंसेस थे उनके लिए और ज़्यादा था। और ये जो रैंक्स होती थी ये दो तरीक़े से डिवाइड हो जाती थी, एक थी ज़ात और एक था सवार, ठीक है। अब ज़ात मीन्स पर्सनल, और ये किसी भी इंसान का किसी भी उसका पर्सनल स्टेटस बताता था। सवार का मतलब होता था कि उसके पास कितने घुड़सवार हैं, या उसको कितने घुड़सवार, अपनी रैंक को मेंटेन करने के लिए उसको कितने घुड़सवारों की ज़रूरत है। सो हर सवार के पास कम से कम 2 घोड़े होने चाहिए थे। और ये जितने अपॉइंटमेंट्स होते थे, ये ज़ात, सवार, मनसबदार, ये सारी चीज़ें ये कौन करता था, ये किंग या जो एम्परर होता था ये ख़ुद करता था। जो आर्मी ऑफिशर्स थे मनसबदार के, मतलब वो सोल्जर्स के लिए पे का काम करना, टेकिंग केयर ऑफ़ द वेलबींग ऑफ द इंजर्ड सोल्जर्स, टैक्स फ्री राशन आज भी मिलता है, हम इसलिए पढ़ते हैं। कोई कह रहा था प्रोपेगेंडा है, कोई कह रहा था प्रोपेगेंडा नहीं है, ये वो एडमिनिस्ट्रेशन है जो आज भी चल रहा है। गेटिंग पे ऑन टाइम आपके पास होता है, टेकिंग केयर ऑफ द वेलबींग ऑफ द इंजर्ड सोल्जर्स, आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ सोल्जर्स का फ्री इलाज होता है, ग्रांटिंग दम टैक्स फ्री राशन। आर्मी कैंटीन में चला जाओ आज भी जो है सोल्जर्स को टैक्स फ्री राशन मिला जा, टैक्स फ्री है आज भी, टैक्स फ्री है, वो सस्ता नहीं है, उस पर सिर्फ टैक्स नहीं लगता। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड अवार्डिंग द डिजर्विंग सोल्जर्स, जब भी किसी सोल्जर को अवार्ड मिलना है तो वो नीचे का ऑफिसर जो है वो उसे रिकमेंड करेगा, तब वो प्रेसिडेंट वो CO के पास जाता है, CO से हेडक्वार्टर जाता है, हेडक्वार्टर से आर्मी हेडक्वार्टर गोज ऑन, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर से आर्मी हेडक्वार्टर, वहाँ से डिफेंस मिनिस्ट्री, वहाँ से PMO, फिर जाके जो है रिकमेंड होता है कि किसी को अवार्ड मिलना है कि नहीं मिलना है। मेडिकल चेकअप्स रेगुलर हैं आर्मी के अंदर, हर रेजिमेंट के साथ एक डॉक्टर होता है आज के टाइम पे। तो ये जो ट्रेडिशंस हैं ये ब्रिटिश ट्रेडिशंस नहीं हैं, ये मुग़ल ट्रेडिशंस हैं, मुग़ल सिस्टम का पार्ट है, मुग़ल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। और आज भी, अब जाहिर सी बात है इस बात को अगर 500-700 साल हो गए हैं तो ये किसी ना किसी अपग्रेडेड फॉर्म में ही होगा, लेकिन बेसिक फंडामेंटल तो आज भी वही है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लैंड वॉज द मेन सोर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि राजा टोडरमल जो थे वो उनके फाइनेंस ऑफिसर थे। राजा टोडरमल इंटरेस्टिंगली शेरशाह सूरी के फाइनेंशियल ऑफिसर थे। तो जो भी अकबर ने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, या जो भी अकबर ने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब पॉपुलराइज़ किया, वो जो है वो अभी जो क्या कहते हैं मतलब शेरशाह सूरी के सिस्टम को जो है उसने ऑप्ट किया। लैंड को या ज़मीन को जो है चार हिस्सों में बांटा गया, चार तरीके की ज़मीन होती थी, पोलज, परौती, छछर और बंजर। पोलज मतलब जिसमें थ्रू आउट कल्टीवेशन हो रहा है, अच्छा हार्वेस्ट आ रहा है, सारी मतलब जो उपजाऊ ज़मीन होती थी। परौती जिसको कम से कम 2 साल के लिए जो है खाली छोड़ना पड़ता था सो दैट इट कैन रीगेन फर्टिलिटी। छछर एक हार्वेस्ट और फिर 4 से 5 साल। और बंजर का मतलब होता था वो ज़मीन जिस पे, बंजर मतलब जिस पे कुछ हो ही नहीं सकता। कॉम्पनसेशन मिला टैक्सेस में, और टैक्स रेट कितना था, 33%। टैक्स रेट कितना था, 33%। 1/3 जो है वो स्टेट का होता था, 2/3 वो होता था। अकबर के बारे में इम्पॉर्टेंट जो नवरत्न्स हैं, राजा टोडरमल, मुल्ला दोपियाज़ा, फ़खरुद्दीन, फ़खर रज़ीउद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा बिरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैज़ी, राजा मान सिंह, और ये एक तरीके से चीफ़ एडवाइज़र्स थे। कौन कौन थे ये?
टोडरमल जैसा भी हमने देखा कि वो कौन थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इन्होंने स्टैंडर्डाइज़ किया वेट्स को, मेजर्स को, लैंड सर्वे को, सेटलमेंट सिस्टम को, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स को, हर चीज़ को उन्होंने स्टैंडर्डाइज़ किया। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड बाय पटवारी, वो आज भी आप में से जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके पास सारा लैंड रिकॉर्ड होता है, आज भी यूज़ हो रहा है, इसलिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि कुछ ये क्यों पढ़ाया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आज का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से डिराइव हो रहा है। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खान के बेटे थे, और बैरम खान वही जो जिनको अकबर ने बोला था कि बोले खान बाबा बहुत हो गया, तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है उनके बेटे थे। उर्दू मतलब बेसिकली स्कॉलर थे, उनका वर्क है उर्दू में है, एस्ट्रोलॉजी में है, बाबर के जो मेमोयर्स थे उसको ट्रांसलेट किया, बाबर नामा को चगताई से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। तो अब्दुल रहीम खान खाना उनके एडवाइज़र भी थे, गार्जियन भी थे, मेंटर भी थे, और स्कॉलर थे बहुत बड़े। मुल्ला दो प्याज़ा, फिर एक एडवाइज़र फ़कीर रज़ीउद्दीन मिस्टिक थे, और रिलीजियस मैटर पे अकबर को सलाह देते थे। तानसेन रामतनु उनका नाम था, स्वामी हरिदास से जो है उन्होंने संगीत सीखा, मतलब उनकी शागिर्दगी में रहे, और बाद में हज़रत मोहम्मद गौस से उन्होंने अपना संगीत सीखा। ध्रुपद कंपोजिशन जो है वो नो डाउट वन ऑफ द वेरी फेमस रागाज, अपने आर्ट एंड कल्चर में जो डिफरेंट म्यूज़िक के फॉर्म्स पढ़े होंगे वो, सो दिस और उनके दो का श्री गणेश स्तोत्र और संगीत सार, ये दो इम्पॉर्टेंट कॉम्पोजिशन हैं बुक्स एज एन लिटरेरी वर्क बाय मियाँ तानसेन। फिर अबुल फजल अकबरनामा इन्होंने लिखी, आइन अकबरी लिखी, और बाइबल को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। फैज़ी की बात करें तो पोइट थे, कोट पोइट थे, मलिक उशरा थे अकबर के लिए, और अगेन पोइट, और ये अबुल फजल के भाई थे फैज़ी, शेख अब्दुल फजल इब्न मुबारक और शेख अबुल फैज़। इब्न मुबारक तो ये दोनों भाई थे, तो एक वो थे और एक उनके मतलब लिटरेरी, दोनों लिटरेरी काम में थे एंड कोर्ट पोएट थे। लीलावती, सो संस्कृत वर्क इन मैथ बाय भास्कराचार्य, इसको इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट किया। सो राजा बीरबल नो डाउट महेश दास इनका नाम था, और ये तरीके से, बट ही वॉज मतलब जितनी जोक्स बनते हैं वो अपनी जगह, लेकिन ही वॉज अ मास्टर इन संस्कृत पर्शियन एंड हिंदी लैंग्वेज, तो सारी ज़बानें जो उस वक्त की थी उस पर इनका अच्छा कमांड था। तो ये अकबर के कोर्ट पोएट थे। अकबर के बारे में इतना काफ़ी है, और रिवीजन के लिए तो इतना ही काफ़ी है, डिटेल क्लास होती तो और थोड़ा सा इसको आगे ले जाते, ख़ास तौर पे मनसबदारी को थोड़ा सा और डिटेल में देखते, लेकिन आपके रिवीजन के लेवल पे दिस मच इज़ मोर देन इनफ। सो जहांगीर अकबर के बाद आते हैं, और जहांगीर वॉज बॉर्न ऑन 31 अगस्त 1569 फतेहपुर सीकरी में इनकी पैदाइश हुई। इनकी राजपूत जो है, इनकी माँ जो है वो राजपूत थी, उनका ओरिजिनल नेम नहीं पता, लेकिन बाद में जब वो मुसलमान हो गई, वो कन्वर्ट हो गई, तो उनका नाम था मरियमुज़्ज़मानी। मतलब जहांगीर वॉज़ बॉर्न विद सिल्वर स्पून। जहांगीर की दो ही खासियत थी, और आपको जहांगीर के बारे में ना ऑनेस्टली सिर्फ दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, पहला कि वो अकबर का बेटा था, और दूसरा कि उसने जो अंग्रेज़ों को इजाज़त दी कि वो अपना ट्रेड इस्टेब्लिश कर सकते हैं हिंदुस्तान में, सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज ओनली टू थिंग्स। सो जो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इकोनॉमी बहुत साउंड थी, और ये सब अकबर की वजह था, और ये लिगेसी में आया, ये विरासत में आया, और लेकिन उसने एक्सपेंशन थ्रू कॉन्क्वेस्ट जारी रखा। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है ये सर थॉमस रो जो है एम्बेसडर जो आए थे, और उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन ली, फिर बाद में लेटर हम देखते हैं कि उसके बाद पहले जेम्स हॉकिंस आते हैं, फिर थॉमस रो आते हैं, पहले ट्रेड की परमिशन, फिर सूरत। उस टाइम पे ये था कि पोर्चुगीज़ जो है वो कोशिश कर रहे थे अपने आप को एक्सपैंड करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि मुगल्स स्ट्रॉन्ग थे। इनकी तबीयत ख़राब होती है कश्मीर, इनको डॉक्टर बोलता है, जब आज के टाइम में नहीं सुनते उनकी तबीयत किसी की ख़राब है, तो डॉक्टर कह रहा है कि इनको जो है किसी हिल स्टेशन पे लेके जाओ,
तो वो हिल स्टेशन पर गए और वहीं वो डेथ हो गई उनकी। और उनकी वाइफ उनका और राजपूत जो उनकी बीवी थी जगत गोसाई उसका बेटा था खुर्रम, और खुर्रम बाद में किस नाम से जाना गया, शाहजहाँ के नाम से। तो उसको जो है यहाँ से जो है एक वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होगा, क्योंकि शाहजहाँ जहांगीर की डेथ के बाद एक वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ जिसमें तीसरे नंबर का बेटा शाहजहाँ जो है वो खुर्रम जो है वो विक्टोरियस होता है। 1628 में ही स्टार्टेड इज रीन एंड वॉट द बिगेस्ट एंड दिस बिकेम वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन द लेटर मुगल्स एंड दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, मतलब शाहजहाँ ऑनवर्ड्स, दैट द मुगल्स दे वर नॉट फॉलोइंग एनी रूल ऑफ सक्सेशन, they do not follow the rule of primogeniture, or means the eldest son succeeding the father, and there is always a so abhi aap dekho primogeniture aur jisse jo england ka royal family hai wahan pe succession ki jab baat aati hai to primogeniture wo hota hai, wo is tarike se hota hai jaise abhi queen hai fir unka beta jo hai wo unka sabse bada beta jo hai wo agla king hoga, aur uske baad jo hai uska sabse bada teen char bete honge farak nahi padta uska sabse bada beta king hoga। फिर अभी तो जैसे फोर्थ जनरेशन ऑफ किंग इज़ फाइनलाइज्ड इन इंग्लैंड, और वो उनका रूल है, वो प्राइमोजेनिटी और फॉलो करते हैं, मतलब वो जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो ऑटोमेटिकली जो है एल्डेस्ट सन विल सक्सीड द फादर। और मुगल्स ये फॉलो नहीं करते थे, इसलिए हम यहाँ से लेके औरंगज़ेब में भी देखेंगे कि वॉर ऑफ सक्सेशन जो है वो शुरू होगा, और लेटर मुगल्स में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से दे वुड फेल टू रूल। सो ऐसा नहीं था कि एवरीवन वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, और जो भी वो था द गवर्नर, मतलब उनको गवर्नर बनाया जाता था, तो पहले वो डेक्कन, बिहार, बंगाल, गुजरात, दिल्ली, और उसने भी मिलिट्री एक्सपेंशन किया, प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स की बात की, टेरिटरीज एक्सपेंशन किया, बट दी पीरियड ऑफ शाहजहाँ इज़ कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया। और जितनी सारी चीज़ें हैं, दिल्ली का शाहजहाँबाद है, जामा मस्जिद है, लाल किला है, आगरा में मस्जिद है, पीकॉक थ्रोन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके टाइम की, शाहजहाँ के टाइम पे, ताजमहल नो नीड टू डिस्कस। लेकिन होता क्या है कि शाहजहाँ की डेथ से पहले ही वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है उसके बेटों में। 1658 में इसकी तबीयत ख़राब होती है, और औरंगज़ेब बाय दैट टाइम वो अपने तीनों भाइयों का कत्ल करके औरंगज़ेब जो है वो बादशाह बन जाता है। औरंगज़ेब को लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, इतने को मार दिया, उतने को, जिसने अपने सगे भाइयों को नहीं छोड़ा, आप उसको क्या मतलब एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो किसी और के साथ अच्छा करेगा, जिसने 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 गद्दी के लिए, जिसने सत्ता के लिए अपने सगे भाइयों को, दाराशिकोह, शुजा और मुराद तीनों का कत्ल किया, आप उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो जो है अच्छा रूलर होगा, तो वो नहीं हो सकता, वो रिजिड था, वो रिलीजियसली इंटॉलरेंट था। और कभी और बताऊंगा कि किस किस तरीके से उसने सिर्फ मंदिर नहीं तोड़े, उसने मज़ारें भी बहुत तोड़ी हैं। उसने उसका ये मानना था कि ठीक है उसके रिलीजियस पॉलिसी में नहीं जाते हैं। सो उससे पहले ही, मतलब उसकी डेथ से भी करीब 8-1 साल पहले, औरंगज़ेब ने जो है वो कैद कर लिया अपने फादर शाहजहाँ को, और शाहजहाँ को जो है फिर नज़रबंद किया। वहाँ से उनकी जो बेटी थी जहाँआरा बेगम, उन्होंने उनकी पूरी देखभाल की आखिर के दिनों में, और शाहजहाँ की ख्वाहिश थी कि अपनी बीवी के साथ दफन हो, तो ताजमहल में ही शाहजहाँ की भी कब्र है। और जिन लोगों ने ताजमहल देखा होगा, तो एक तो जो कब्र है वो बिल्कुल सिमेट्री में है, सिमेट्री मतलब वो आप स्टार्टिंग से देखोगे तो वो उसी मिड्रिप पे बनी है, लेकिन एक जो है थोड़ी सी हटके है, तो वो जो बिल्कुल सेंटर में है वो मुमताज़ की कब्र है, और जो थोड़ा सा हटके है ताजमहल में वो शाहजहाँ की कब्र है। फिर आते हैं औरंगज़ेब, तो 1656 में ही आ गया था, लेकिन उसने फाइनल जो उसने अपना कॉरोनेशन सेलिब्रेट किया व्हेन ही डिफीटेड हिज ओन ब्रदर दाराशिकोह, शुजा मुराद को भी मार दिया था, बट ही वॉज वेरी मच रिलीजियसली इंटॉलरेंट, और यहाँ पर उसकी हार्श रिलीजियस पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट दिखता है। जाट्स ने रिवोल्ट किया, सतनामीज़ ने रिवोल्ट किया, सिखों ने रिवोल्ट किया, गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे वो उनका जो है वो मतलब उनको एग्जीक्यूट किया, जिन्होंने दिल्ली में जो रहते हैं,
लाल किले के सामने गुरुद्वारा शीशगंज है, वहाँ पे गुरु तेग बहादुर को जो है एग्जीक्यूट किया गया था, तो वहाँ अब गुरुद्वारा है ठीक लाल किले के सामने है। अब लाल किले से चांदनी चौक की तरफ मतलब लाल किले के रैम्पर्ट्स पे पीट करके खड़े होंगे और चांदनी चौक की तरफ देखेंगे तो आपको आगे चल के लेफ्ट हैंड साइड पे गुरुद्वारा दिखेगा, गुरुद्वारा शीशगंज। वो शीशगंज साहिब जो है वो इसी उस पर है, उसी जगह पे है जहाँ पे सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी को एग्जीक्यूट किया था औरंगज़ेब ने। यहाँ पे वो गलत कर गया, उसने जहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस दिखाना चाहिए था, और यहाँ पे देखो वही चीज़ हुई, रिलीजन और पॉलिटिक्स को क्या किया, रिलीजन और पॉलिटिक्स को मर्ज किया, तो अल्टीमेटली यू नो दिस लेड टू द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। 1679 में मारवाड़ में औरंगज़ेब ने जो है इंटरफेरेंस करके जो है कब्ज़ा किया। औरंगज़ेब के पे अटैक जो है ना 1680s में अंग्रेज़ों ने भी किया, लेकिन औरंगज़ेब ने उसने बहुत गंदी मार मारी अंग्रेज़ों को और उनसे सारे जो है पोर्ट्स वोर्ट्स छीन लिए थे। बाद में बड़े रिक्वेस्ट करने के बाद तीन गांव दिए थे, कौन कौन से, गोविंदपुरी, सुतानती और कालीकाता, जो बाद में कलकत्ता बने। इन तीन गांव का जो जागीरदार थी, जो जागीरदारी थी, वो औरंगज़ेब ने दी थी, लेकिन उससे पहले अंग्रेज़ों ने औरंगज़ेब पर अटैक कर दिया था शिप विप पे, तो उसने बताया फिर मारा था अच्छे से। औरंगज़ेब की डेक्कन पॉलिसी वॉज इम्पॉर्टेंट, और देखा कि औरंगज़ेब के टाइम पे मैक्सिमम स्ट्रेच था मुगल एम्पायर का, और डेक्कन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स स्टार्टेड टू रीन फ्रॉम द रीन ऑफ अकबर, तो खानदेश, बिरार सब जगह था। जहांगीर फॉट अगेंस्ट मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर, और औरंगज़ेब जो है उसने डेक्कन में इतना ज़्यादा वो ऑब्सेस्ड हो गया था, लेकिन उससे गलती हुई। उसी के कंटेम्प्रेरी शिवाजी थे, और शिवाजी ने क्या किया था, जब इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम किया तो एक तरफ वो सिखों ने रिवोल्ट कर दिया, जाट सतनामियों ने रिवोल्ट कर दिया, फिर वो डेक्कन में आता है तो डेक्कन में ये जितने बहमनी किंगडम वाले जो भी किंगडम्स थे, ये अहमदनगर, बेरार, खानदेश, ये इनको भी सबड्यू कर लेता है। उसकी वजह से क्या होता है ना कि औरंगज़ेब की ये गलती थी, क्योंकि फिर उससे ये होता है कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन में आ जाता है बीजापुर और गोलकुंडा को करने के बाद, और वहाँ से औरंगज़ेब जो है कुतुबशाही डायनेस्टी को हटाता है और निज़ाम को इस्टेब्लिश करता है। बिकॉज़ ये पॉलिटिकल ब्लंडर था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि औरंगज़ेब की तरफ से ये पॉलिटिकल ब्लंडर था। पॉलिटिकल ब्लंडर इसलिए क्योंकि इसने मुगल्स और मराठास के बीच जो बैरियर था, ये गोलकुंडा और बीजापुर और ये सारे जितने डेक्कन के जो मतलब किंगडम्स थे उसको हटाने के बाद दे केम इन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद मराठास एंड मुगल, एंड दैट वाज अ ह्यूज लॉस ऑफ ट्रेजरी डेक्कन कैंपेन। सो फर्स्ट लॉस ऑफ ट्रेजरी वाज डन बाय शाहजहां, जब वो आर्किटेक्चर के पीछे पागल हो गया। सेकेंड लॉस ऑफ ट्रेजरी वॉज बाय औरंगज़ेब, जहाँ उसने अपना सारा जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे वो कहाँ लगा दिए, वो डेक्कन को ऑक्यूपाई करने में लगा दिए। अब आर्किटेक्चर में आपने इन सारी चीज़ों को देखा होगा, तो हुमायूं टोम्ब है, इसके बारे में हमको पता है, दैट प्रॉपर एग्जांपल जहाँ से हमको मुग़ल आर्किटेक्चर दिखता है। और हमीदा बानो बेगम ने जो है बनाया था, और उसके अलावा जहांगीर का जो शाहदरा लाहौर में जो जहांगीर का मकबरा है वो भी इसी से इंस्पायर है। ताजमहल का प्रिकर्सर भी यही है। आगरा फोर्ट के बारे में यू नो दैट फतेहपुर सीकरी मतलब आगरा फोर्ट आगरा का किला बना, फिर फतेहपुर सीकरी वॉज फाउंडेड एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू सिख शेख सलीम चिश्ती, और अकबर बहुत बड़े फॉलोअर थे। उसके बाद आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी मोर और लेस एक साथ कंप्लीट हुए। बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवान ख़ास, दीवान आम, जोधाबाई पैलेस, ये सारी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट हैं। दिल्ली का लाल किला हमने देखा है, सो 1638 में इम्पॉर्टेंट है। 1638 में शाहजहाँ शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, और वहाँ वो शाहजहानाबाद, जिसको आज के दौर में पुरानी दिल्ली कहते हैं, वो इस्टेब्लिश हुआ। और शाहजहानाबाद सातवां शहर था। आठवां शहर बसाएंगे एडवर्ड लुटियन स्टडी, आठवां शहर वो होगा। तो रेडफोर्ड और वो सारी चीज़ें जो इस वक्त पुरानी दिल्ली और उसके आसपास हैं, वो सारी वहाँ पर ये शाहजहाँ के दौर की हैं। एंड विद दिस द मुगल एम्पायर, वॉट एवर वॉज इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू मुगल एम्पायर आई हैव टोल्ड यू ऑल,
और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे. डू गिव योर वैल्यूबल कमेंट्स, और वैल्यूबल से ज़्यादा सेंसिटिव हो लगना चाहिए कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, ऐसा ना लगे कि चलिए जाने दीजिए. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. दिस मी साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच.